वैसे तो ऐसे कई राज्य और देश हैं जहां पर महिला नाबालिग लड़कियां और तो और बुजुर्ग महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आरोपी को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं होता है, वह ना ही किसी का डर होता है। आरोपी खुलेआम बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं और आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। एक ऐसा ही मामला भोपाल से है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी, न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भोपाल के रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ बलात्कार जैसी खौफनाक घटना हुई है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसमें से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन आरोपियों पर IPC की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है तो उस पर क्या बीतती है। हालांकि भोपाल पुलिस का कहना है कि बीती रात महिला अपनी भांजी के साथ झांकियां देखने गई थी। झांकी से कुछ ही दूरी पर एक अंधेरी वाली जगह पर 4 आरोपियों ने महिला और उसकी भांजी को पकड़ लिया और इनमें से एक दरिंदे ने महिला के साथ रेप किया। इस घटना के बाद महिला नजदीकी हनुमानगंज थाने पहुंची, लेकिन ये घटना GRP के इलाके में हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस पीड़ित महिला को लेकर GRP थाने गई। महिला का कहना था कि वे 4 लोग थे, जिसमें से 2 आरोपियों ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे, जबकि एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। वहीं एक आरोपी इसी दौरान उसकी भांजी को पकड़कर रखा हुआ था। साथ ही पीड़ित महिला की भांजी ने बयान देते हुए कहा कि इस घटना के दौरान उसने 2 आरोपियों के नाम सुन लिए थे, क्योंकि वह आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। भांजी ने बताया कि उसमें से 2 के नाम राजेश और राकेश है। महिला और भांजी के द्वारा बताए गए नामों के आधार पर GRP ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पता चला कि 4 ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसमें से एक भोपाल रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी है तो दूसरा सुपरवाइजर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही उनसे पूछताछ जारी की है तो उन्होंने सारी बातें खुलकर बता दी। पूछताछ के बाद महिला से बलात्कार के जुर्म में 4 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर धारा 376, 342 और 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस खबर में इतना ही। न्यूज फॉर सोशल की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।